सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट ट्रेडिंग फॉरेक्स ऐप के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो गाइस आप लोगों के पास एक फॉरेक्स का बहुत बढ़िया अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में एक्सनेस को यहाँ पे लेकर आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सनेस एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप इसके जरिए किसी भी करेंसी के पेयर्स में यूरो, यूएसडी, जेबीपी, INR, आप लोग इंडिया की चाहे किसी भी बहुत सारी करेंसियों के पेयर्स में आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और गैस यहां तक कि आप इसके जरिए क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आप इसके जरिए विदेश के किसी भी कंपनी के शेयर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका पूरा अकाउंट ओपन करके बताऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि क्या ये रियल है या क्या फेक है। इसका जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो आपको कितना देता है, वो इंस्टेंट देता है या नहीं, मैं आपको लाइव इसमें दिखाने वाला हूँ। तो बस आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहना है। ठीक है, तो गाइस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा एक्सचेंज का। अगर आप लोग वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसका एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गाइस ये दावा कर रहे हैं इंस्टेंट विड्रॉल्स का, मतलब कि अगर आप लोग इसका विड्रॉल लगाना चाहते हैं तो इसका विड्रॉल इंस्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट एक्सक्यूशन है, नो ओवरनाइट फीस है, आपको इसमें फीस भी उतना देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस इसमें ना स्पीड्स भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा, लाइक इसको बोलते हैं लेवरेज। आप इसमें करीब 1000 का 2000 का भी लेवरेज लेके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जाएंगे तो गाइस इसके साथ भी पूरा एक्सचेंज का टीम प्रो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होता है आपके पेमेंट को लेके, तो आप डायरेक्ट इसके चैट सपोर्ट से भी बात कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, वो आपको तुरंत इसमें रिप्लाई देते हैं। कुछ भी परेशानी होता है लाइक यहाँ पे विड्रॉल को लेके चाहे डिपॉजिट को लेके, तो आप लोग अपना कोई भी इंक्वायरी यहाँ पे अगर लिखते हैं, ठीक है, तो आपका जो भी सोल्यूशन है वो जस्ट इसमें बहुत ही कम सेकेंड में ही आपको दे देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब बात करेंगे इसका अकाउंट प्रोसेस की। ठीक है, तो भाई इसका अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे डालने को बोलेगा ईमेल आईडी। अगर आप लोग पहली बार आएंगे तो गाइस आपको यहाँ पे ना अपना अकाउंट नया बनाना पड़ेगा, जो कि अपना यहाँ पे रेसिडेंस चेक यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग किसी भी कंट्री से होंगे, लाइक यहाँ पे मैं बता दूं, मैं अभी यहाँ पे इंडिया से हूँ, जस्ट इंडिया पे क्लिक करके अपना जो भी कंट्री होगा वो सिलेक्ट कर देना है और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, और सेम यहाँ पे 8 डिजिट का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, पासवर्ड डाल से जैसे डालेंगे आप, जस्ट आपको कंटिन्यू करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद से जस्ट आपका ऐसा सिंपल सा इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या सबसे पहले मैं आपको यहाँ अपना इसमें प्रूफ दिखा दूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ सही में ये विड्रॉल प्रोसेस जो है बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जैसे क्लिक करूंगा, ठीक, तो यहाँ पे मैं आपका 3 महीने का यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये देखिए यहाँ पे $15 का मैंने एक बार विड्रॉल लगाया था 22 अगस्त को। ठीक है, फिर 26 अगस्त का विड्रॉल लगाया था। ठीक है, फिर 15 अगस्त का लगाया था, 1:54 पे लगाया था, और मेरे अकाउंट में इंस्टेंट आ गए थे। यहाँ पे आने के बाद से जस्ट आपका ना जो भी अकाउंट है वो यहाँ का फुली यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये जो विड्रॉल जो देता है वो आपका UPI के थ्रू देता है, मतलब कि आपका बैंक में जो भी मोबाइल नंबर एड रहेगा उसी के जरिए आपका इसमें लिंक रहेगा UPI ID, बस आपके अकाउंट से उसमें पैसे भेज देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें ट्रेडिंग को लेकर। तो भाई ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ना इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन न्यू अकाउंट पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक, तो गाइस इसमें ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड, प्रो, प्रो, यहाँ पे जीरो। तो गाइस जो ये रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड, तो बस आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक किए रहने देना, और जैसे यहाँ पे कंटिन्यू जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम लेवरेज यहाँ पे 2000 का देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 1000 रुपए है तब भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स, अकाउंट इसमें क्रिएट करने वाले, ये देखिए मेरे अकाउंट में $500 आ गए। ठीक है, ये मेरा पास डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब मैं ट्रेड पे जैसे क्लिक करूंगा तो ना इसमें ना दो प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए बोलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि होगा एक एक्सनेस का, एक होगा मेटा ट्रेडर 5 का। मतलब गाइस अगर आप लोग जो चार्ट चाहते हैं जो देखने के लिए, तो आप लोगों को ना ये रिकमेंड मैं करूंगा, बस आपको ना एक्सनेस टर्मिनल से ही आपको चूज करके इसका ना एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में ही डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको जो भी ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ऐसा प्लेटफॉर्म पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आपको ना ऐसा ऐसा सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा, लाइक आपको अगर लगता है कि मैं किसी फॉरेन में भी चाहे
कंपनी के स्टॉक में है, चाहे कॉमोडिटीज में है, चाहे क्रिप्टो करेंसी, जिस भी पेयर्स में, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जस्ट आपको ना इसमें सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा पेयर, जस्ट आपको उस पर सिलेक्ट करके आपको चूज करना है। और यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिलेगा लोट्स, तो गाइस अगर आप लोग जो भी लोट्स यहाँ पे चूज करेंगे ठीक है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है। तो जस्ट आपको अनुमान लगाना है कि मार्केट अप जाएगा यहाँ से या मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा ठीक है। तो जस्ट आपको ना इसी की तरह इसमें ट्रेडिंग करना है। तो गाइस मैं आपको यही बताऊंगा कि गाइस अगर आप लोग इसमें बिगिनर है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है, तो बस आपको डेमो के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया कि डेमो के लिए ऐसे यूज करना है, तो आप लोग पहले डेमो में सीखिए, फिर आपको इसके पैसे रियल मनी से डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना है ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसी रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ठीक है, नहीं तो आप लोग मुझे पर्सनल भी डीएम करके बात कर सकते हैं ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताएं, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।